हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. 2024 आपके लिए सबसे अच्छा हो. और आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन. द्विनिषेचन करने से पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए कि ये हम कहाँ की और किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, किस पार्ट की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विनिषेचन का मतलब है फूल यानी कि पुष्प, फ्लावर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि पार्ट्स फ्लावर के कौन कौन से हैं और वहाँ द्विनिषेचन कहाँ होता है, कैसे होता है. तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. आपको टॉपिक करवाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं, वो वहाँ पे जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आप वहाँ पर दूसरी टेस्ट मटीरियल्स और स्टडी मटीरियल भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, द्विनिषेचन. द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है. द्वि मतलब दो और निषेचन मतलब जुड़ना. निषेचन क्रिया होती है मेल और फीमेल गैमेट का जुड़ना, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना. नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना द्विनिषेचन, निषेचन कहलाता है. और अगर वो दो बार हो, दो नर युग्मक जो हैं वो मादा युग्मक के साथ जुड़े, तो उसे हम द्विनिषेचन कहेंगे. तो उसको हम देखने से पहले, सबसे पहले कहाँ पे होता है? फूल में. तो हम फूल के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम फ्लावर बनाते हैं. सबसे पहले जिसमें, जिस पार्ट के ऊपर फ्लावर लगा होता है, जो स्टोक है हमारी, दैट इज कॉल्ड पेडिसल. और जिस पार्ट पे पेडिसल के ऊपर जो एक स्वॉलन एरिया है जिसपे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अटैच होंगे, जहाँ पे हमारे फूल के अलग अलग हिस्से जो हैं वो अटैच होंगे, जुड़े होंगे, तो उसे हम कहेंगे थैलेमस. पेडिसल और थैलेमस में देखिए, फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है एक तरह की हमारी स्टेम है, टहनी है, एक तना है, जिसमें अलग अलग जो है हमारे नोड्स, इंटर नोड्स होते हैं. जैसे हर स्टेम में वो हिस्सा जहाँ से कोई नई ब्रांच निकलनी हो या कोई नई शाखा निकलनी हो, कोई नया लीफ निकलना हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड नोड. उस हिस्से को हम नोड कहते हैं. और जो उनके बीच, दो नोड के बीच का जो स्पेस है, उसको हम इंटर नोड कहते हैं. हमारा फ्लावर भी इसी तरह से एक स्टेम है जिसमें जो अलग अलग पार्ट जहाँ पे निकल रहे हैं उस हिस्से को नोड कहेंगे. फर्क क्या है कि यहाँ पे जो इंटर नोड है, जो ये स्पेस है, वो बहुत कम हो गया है, वो बहुत पास पास आ गए हैं हमारे नोड्स, और वहीं पे ही हमारे अलग अलग पार्ट जो है वो अटैच है इस तरह से. तो ये फ्लावर जो है हमारा एक तरह का स्टेम है. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम. सो हम फ्लावर को लिख सकते हैं, व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम. ये एक तना है जो मॉडिफाई हो चुका है, वह तना जिसमें इंटर नोड जो है, जो दो नोड के बीच का जो जगह है, वो बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से वो पास पास आ गए हैं पार्ट फ्लावर के. और इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर, उसने शेप ले ली है एक फूल की. तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पेडिसल है, यानी कि हमारे फूल की जो डंडी है, और थैलेमस, जहाँ से हमारे फूल के अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं. तो सबसे पहला हिस्सा जो होता है हमारा, वो होता है
हरी पत्ती का। तो हरी पत्ती को हम बोलते हैं सेपल, और कैलिक्स भी इसे कहा जाता है, कैलिक्स, और इसका नाम है बाह्य दल। हरी पत्ती को सेपल यानी कि कैलिक्स भी बोलते हैं, और इसका नाम है बाह्य दल, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है। उसके बाद आते हैं हमारे रंगीन पत्तियां। रंगीन पत्ती को हम बोलते हैं सेपल, इसी तरह से इन्हें बोलते हैं पेटल। जो ग्रीन पत्ती है वो सेपल, जो रंगीन पत्ती है वो पेटल। और जैसे इसको कैलिस इसका दूसरा नाम है, इसी तरह से कोरोला इसका दूसरा नाम है, और रंगीन पत्ती यानी कि इसे हम कहेंगे दल। तो दल जो है वो हमारी रंगीन पत्ती है, और बाह्य दल जो है वो हमारा हरी पत्ती है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये है फूल के अनावश्यक भाग, जिनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। जब हम निषेचन, द्वि निषेचन की बात करते हैं, तो इन हिस्सों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो हिस्से चाहिए वो है हमारे आवश्यक भाग। तो ये अनावश्यक भाग में आते हैं, अननेसेसरी पार्ट्स में आते हैं। तो हमारे आवश्यक भाग कौन से हैं? आवश्यक भाग में आते हैं हमारा मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, यानी कि मादा हिस्सा और नर हिस्सा। तो इसमें नर और मादा हिस्सा कौन सा है? हम बना रहे हैं पहले मादा हिस्सा, ये इसका मादा हिस्सा है, फीमेल पार्ट है ये इसका, जिसमें यहाँ पे आपके पास नर युग्मक होंगे, जहां बीज बनेंगे। तो ये हिस्सा है इसका फीमेल पार्ट, तो इसे हम बोलते हैं कार्पल। कार्पल यानी कि फीमेल हिस्सा, जिसे कहा जाता है स्त्री केसर। इसी तरह से मेल हिस्सा होगा, जो यहां से होगा शुरू, और जिसकी डंडी है, और ऊपर की तरफ ये सर्कल्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इसका मादा हिस्सा है। तो इसे जैसे यहाँ कार्पल है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। तो ये इसका नर हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम फूल केसर, स्त्री केसर और फूल केसर। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम फूल के विभिन्न भाग देख रहे हैं, जहां पे हमारे पास सबसे पहले है डंडी, उसके बाद है थैलमस, जहां से ये अलग अलग हिस्से जो है वो जुड़े हुए हैं। सबसे बाहर वाला दल यानी कि बाह्य दल, कैलिक्स यानी कि सेपल। उसके बाद है दल, दल में आते हैं हमारी रंगीन पत्तियां यानी कि पेटल। उसके बाद है हमारे जो आवश्यक भाग है वो है दो, जो है नर भाग, ये नर भाग है इसका, और ये है मादा भाग। नर भाग में और मादा भाग में आगे कौन कौन से हिस्से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम पुंकेसर बनाएंगे, अलग से अगर हम बनाएं पुंकेसर और स्त्री केसर, तो पुंकेसर में दो हिस्से हैं और स्त्री केसर में तीन हिस्से हैं। तो इस तरह से पुंकेसर और स्त्री केसर हम बना सकते हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से ये हिस्से हैं, जहां पे यहां हमारा होता है नर युग्मक। देखिए, हमें द्वि निषेचन के बारे में जानना है, तो द्वि निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना। तो नर युग्मक कहाँ है और मादा युग्मक कहाँ है? नर युग्मक है हमारा इसमें, इसे बोलते हैं हम प्रागकोष, और ये है इसकी डंडी, इसका मतलब पुतंतु, प्रागकोष की डंडी यानी कि पुतंतु। मीन्स ये है फिलामेंट और प्रागकोष है हमारा एंथर। इसी तरह से स्त्री केसर में जो नर युग्मक, यहाँ पे नर युग्मक है प्रागकोष में है, यहाँ हमारा नर युग्मक है, और हमारा मादा युग्मक है इसके अंदर, यहाँ हमारा मादा युग्मक है। इसे मादा युग्मक वाला जहाँ पे हिस्सा है, उसे हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय और इसकी डंडी जो है वो है हमारी वर्तिका, और ऊपर का हिस्सा यानी कि वर्तिका के आगे का हिस्सा, इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र। तो इस तरह से जिसे हम
क्रिएशन भी लिख लेते हैं, क्या नाम बने इनके, ये है हमारा सिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ओवरी में हमारे मादा युग्मक मिलेंगे हमें। तो इस तरह से ये हमारे दो हिस्से हो गए जो हमारे द्विनिषेचन में भाग लेंगे। प्राग कोश से नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक अंडाशय तक जाएगा, तब हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ेगा और जिसे हम कहेंगे द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन के लिए अब यहाँ पे हमारा जो है ये नर युग्मक मादा युग्मक तक जाना चाहिए। तो नर युग्मक यानी कि प्राग कोश का आगे प्राग कोश में जो भी हिस्से है, इस प्राग कोश में ये दो है हमारे पास, दो सर्कल हैं जो आगे जुड़े हुए हैं एक डंडी से, ठीक है। और वहां पे हमारे पास जो है वो अंडाशय है, अंडाशय में हमारा यहाँ नर मादा युग्मक है। तो यहाँ पे हमारे प्रागकण धरे हुए हैं, ये प्रागकण जाएंगे हमारे इस स्टिग्मा तक यानी कि वर्तिकाग्र तक, जिसे हम कहते हैं प्रागण क्रिया। प्रागण क्रिया, प्रागण क्रिया का मतलब जो ये प्रागकण है, इन प्रागकणों का प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना, प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना, इसे हम कहते हैं प्रागण क्रिया। अब जैसे ही ये प्राग कण यहां पहुंचेगा, उसके बाद हमारा जो है द्विनिषेचन वाली क्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब आपने ये देखा कि किस तरह से कौन से हिस्से जो है वो द्विनिषेचन में भाग लेते हैं, वो है हमारा पुष्प। सिर्फ पुष्प यानी कि पुष्प वाले पौधों में ही द्विनिषेचन होता है, क्योंकि यह क्रिया पुष्प में होने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार से द्विनिषेचन को करने से पहले आपको क्या करना होगा, पुष्प का चित्र कि पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, एंड उसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रागण क्रिया कि प्रागण क्रिया किस प्रकार होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगी आपको, तो ये वीडियो देखिए और इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि द्विनिषेचन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रागकण जो है वो यहाँ जा रहा है, ये प्रागण क्रिया हो रही है, प्रागण क्रिया। प्रागण क्रिया अभी हमने बताया प्रागकणों का प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाती है, प्रागण क्रिया कहलाती है। तो इस प्रागण क्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। हम दोनों तरीके से समझ लेंगे इसको, क्योंकि ये आपकी क्लास के लिए और फर्दर भी नेक्स्ट क्लास में भी आपके यूज होगा टॉपिक, तो इसे आपको पता होने चाहिए टर्म्स कि कौन से टर्म क्या है। तो यहाँ पे प्रागकणों का, प्रागकण मतलब पोलन ग्रेन्स, तो हम इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। प्रागण क्रिया क्या हुई, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से, फ्रॉम एंथर, कहां पर, टू स्टिग्मा को फॉर फ्लावर। तो किसी फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन क्रिया के लिए हम अलग वीडियो देखेंगे, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि पॉलिनेशन के लिए हमारे पास जो हमने अभी किया फ्लावर का डायग्राम और पॉलिनेशन उसके डिफरेंट पार्ट्स, तो हम उसको दोबारा देख लेते हैं। जो हमारी कलर लीव्स है, जो हमारी कलर लीव्स है वो क्या कहलाती हैं, व्हाट आर दीज
these colored leaves called? They are called stigma. These colored leaves, what are these colored leaves called? ओके, हम इसके लिए डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं हमारे, कि हमारे जो ये कलर लीव्स हैं, रंगीन जो हमारी पत्तियां हैं जिनमें अलग अलग कलर होता है, इन्हें हम कहेंगे हमारे पेटल्स। तो ये पेटल्स जो है ये क्या काम करती हैं, आपको पता है फूल जितना रंग बिरंगा होगा, सुंदर होगा, हम सब भी उनके पास जाएंगे। तो ये रंगीन पत्तियां हमें यानी कि मनुष्य को और साथ ही अलग अलग प्रकार के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उस चीज के लिए हमारी पेटल्स। और सेपल क्या करती है, सेपल जो है वो हमारी ग्रीन कलर की लीव्स हैं, दीज आर आवर ग्रीन कलर लीव्स, जो क्या करेंगी बर्ड कंडीशन में जब कली होता है फूल तो उसको कवर करेगी, और साथ में हरा रंग है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी, सो ये फूड बनाती हैं, फूल को प्रोटेक्ट करती हैं, जब ये बर्ड होगा कली होगी तो उस वक्त ये काम करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन किस प्रकार होता है। थैंक यू।